तो आपने अब तक राइटर डायरेक्टर ओम राउत के मास्टरपीस के रिव्यूज तो पढ़ी लिए होंगे। भाई देख ही नहीं सो गया था बीच में। अरे भाई साहब बिल्कुल बेकार, कोई खास मजा नहीं आया, सब स्टोरी बिगाड़ दी। कैसे लगे? अरे सर निवेदन है बिल्कुल ना जाए, इससे घटिया मूवी आज तक नहीं देखी मैंने। देखना मजा है, बच गए आप, मैं देखना। कितने घटिया, बहुत घटिया है, नींद आ गई थी 15 मिनट के लिए। इतनी बोरिंग की कोई घंटी जुड़ी नहीं है, बिल्कुल बकवास है और बहुत ज्यादा बोरिंग मूवी, कोई याद ही नहीं मतलब रामायण का मजाक। रावण अच्छा लगा हमको और डायलॉग अच्छे लगे, कॉमेडी कर रहे थे थोड़े से। वेल गाइस ये सार्कास्म कर रहे हैं क्योंकि ये नहीं चाहते कि जो मास्टरपीस इन्होंने देखा है वो तुम भी देखो, क्योंकि राज की बात तो ये है कि ये पिक्चर ना समुद्र मंथन में निकली थी और ब्रह्मा विष्णु महेश ने ओम राउत को ये पिक्चर उनकी कठोर अति कठोर तपस्या के लिए वरदान में दी थी। क्योंकि देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि वाल्मीकि जी ने रामायण में काफी गलतियां की थी और आदि पुरुष में ओम राउत ने उन्हें सुधारा है। जैसे सोने की रंग का रंग काला था, माता सीता पीले वस्त्र नहीं पहनती थी और रावण ने पुष्पक विमान के पीछे लिखवा रखा था दम है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर और उसके आगे मसल वाली मोजी। शिव भक्त रावण रुद्राक्ष भी तोड़ देता था, लक्ष्मण जी स्टाइलिश बियर्ड रखते थे और रावण पूरे शैल रखता था। माता सीता ने हनुमान जी को चूड़ामणि नहीं कड़ा दिया था, हनुमान जी हाथ जोड़ कर प्रणाम नहीं करते थे बल्कि सीने पर हाथ रखकर सिंजो से सागे हो कहते थे और राम जी का असली नाम रामचंद्र स्मिथ था। और इस तरह की गलतियां वाल्मीकि रामायण से दूर करकर ओम राउत हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये मूवी देखते हुए मैंने भी परमात्मा विलीन होने की सोची थी। सीरियस होने से पहले मैं तो प्रभु से यही दया याचना करना चाहूंगा कि प्रभु एक तीर इसकी नाभि में मार देते। तो मैंने 16 को इवनिंग का शो देखा था और मुझे सोशल मीडिया से ऑलरेडी पता चल गया था कि ये मूवी बेकार होने वाली है, इसलिए मेरी एक्सपेक्टेशन लो थी। बट तो मैंने इवनिंग का शो इसलिए देखा था क्योंकि मैंने सुबह रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा देखी थी ताकि मुझे एक बेंचमार्क मिल जाए कंपैरिजन करने के लिए। पर आदि पुरुष के खत्म होने के बाद तुम कंपैरिजन छोड़ो, मैं तो बस यही सोच रहा था कि अगर प्लैनेट ऑफ द एप्स, गेम ऑफ थ्रोन्स, मैन ऑफ स्टील, थोर, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से कॉपी कर ही लिया था तो इस वाली से भी कर लेते, क्या आपका कुछ अच्छा ही बन जाता। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस मूवी वाज कास्टिंग, मतलब उफ, प्रभास एज बाहुबली, आ रहा हूँ न्याय के दो पैरों से अन्याय के 10 सर कुचलने, डेफ एस टिकटोकर, लेट मी गेस गोस्ट राइडर, कुछ महीने पहले सबने ब्रह्मास्त्र के डायलॉग्स को ट्रोल किया था तो अब उसके लिए माफी मांगने का टाइम आ गया है क्योंकि इंद्रजीत हनुमान जी की पूंछ जलाकर कहता है रिजलीना जलीना और हनुमान जी कहते हैं और इनफैक्ट हनुमान जी को डायलॉग देखने बुलाया भी है भाई कि हमारे हनुमान जी के लिए आदि पुरुष के हर शो में एक सीट आप खाली रखें। भाई हनुमान जी ने इनका क्या बिगाड़ा था। और हनुमान जी छोड़ो, श्रीलंका टीम ने इंडिया टूर कैंसिल कर दिया डायलॉग सुनने के बाद और स्टेटमेंट दिए कि आईसीसी ट्रॉफी तो जीतते नहीं, केटीएम ट्रॉफी जीत कर क्या करेंगे। और रावण के कैरेक्टर के साथ ये क्या मजाक हुआ है, टू स्टोरी हेड विद 5 अपार्टमेंट को छोड़ो, मतलब उसके पुष्पक विमान के पीछे लिख रहा है कि दम है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर और उसके बाद मसल वाली इमोजी, और जब वो सीता जी को अगवा करने आता है तो बैकग्राउंड में बजता है दोनों स्टेटमेंट मजाक थे इस मूवी की तरह, और क्यों भी ना हो इस मूवी का मजाक तो ChatGPT भी बना रही है। तो लास्ट में तो मैं यही कहना चाहूंगा कि रावण में लाखों बुराइयां थी पर इस मूवी से कम थी। स्टारिंग एज अ प्रोटैगनिस्ट जीसस, स्टारिंग एज एन एंटैगनिस्ट ओम राउत, बट स्टिल डायलॉग्स बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग थे, जैसे कि मेरे एक सपोली ने तुम्हारे शेष नाक को लंबा कर दिया, ये तुम रामायण में नहीं रह सकते भाई। हनुमान जी के कैरेक्टर से डबल मीनिंग बातें तो आदि पुरुष में कई बार करवाई है।